जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं गंगापुर का हृदय स्थल कहा जाने वाला फवारा चौक। और जो सूरत हाल आप इस समय देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है गंगापुर शहर के लिए। बरसों से सिर्फ यही तस्वीर तो देखने को मिलती है बारिश के इन दिनों में, लेकिन इस बार की बारिश में जो हालात हैं वो कुछ ज़्यादा ख़राब हैं। गंगापुर की कोई ऐसी कॉलोनी, कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़ रहा हो या वो समस्या ना झेलनी पड़ रही हो। दयाल नगर की बात कर लो, वार्ड नंबर 50 बाईपास काजी कॉलोनी की आप बात कर लो, आप नसिया कॉलोनी की बात कर लो, आप ईदगाह मोड़ की, या फिर बात हो आदर्श नगर या सैनिक नगर वाला रोड, या फिर बात करें हम सालोदा मोड़ की। कुल मिलाकर गंगापुर सिटी के हालात इस बारिश में इतने बुरे नज़र आए साहब कि अब से कम ऐसे इलाके जिनमें पानी नहीं भरा करता था, इस बार उन इलाकों में भी पानी भरा हुआ देखने को मिला है। आपको मैं बता दूं, इन नालों की सफाई ज़रूर नगर परिषद ने करवाई थी। जो नाले आप फवारे चौक पर देख रहे हैं, इन नालों की सफाई हुई, लेकिन कोई सिस्टम के साथ इनकी सफाई नहीं हुई। दो बकेट कहीं से उठाई और जैसा आनन फानन में नगर परिषद से हो सका वैसी सफाई करवा करके और तीसरी कर ली। ना समय पर कचरा उठाया गया, वापस वो कचरा बहकर के फिर नालों में चला गया, नालों को ढका नहीं गया। और अंजाम ये हुआ कि आज ये नाले पूरी तरह चौक हैं, बंद पड़े हुए हैं और हर नाला ओवरफ्लो होकर के पानी पूरा बाहर निकल रहा है। सुबह से जो बारिश हो रही है, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, लगातार बारिश चल रही है, तो ये समस्या आनी थी। मगर ये किसी ने नहीं सोचा था कि उन इलाकों में भी पानी भर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जो नोटिस में आई है हमारे, कि जहाँ पेच वर्क का काम हुआ था सीवरेज और अमृत योजना के बाद में, उसकी कंडीशन अब ये हो गई कि वहाँ सड़कें धंस चुकी है, यानी पेच वर्क जो है वो भी फेल हो गया। किसानों को राहत तो मिली है साहब, लेकिन अब किसानों की फसलों पर भी गाज गिरने वाली है। अगर बारिश इतनी ज़्यादा हुई और लगातार बारिश रही तो फसलों को गलने की भी स्थिति आ सकती है। तो आप ये ना कहें कि किसानों को राहत मिली है, बिल्कुल मिली है, लेकिन किसानों को राहत तब तक ही है जब तक एक सीमित मात्रा में बारिश होगी। अगर असीमित मात्रा में बारिश हुई तो वो किसानों के लिए भी आफत बनेगी। और अब जो मैं हालात आपको दिखा रहा हूँ वो मेन फवारे चौक के हैं गंगापुर सिटी के, और काली घटाएँ अभी भी आसमान में हैं और लगातार जो बूंदाबांदी है वो अभी भी चल रही है। और सुबह से ही ये जो बारिश का सिलसिला है ये जारी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये नई तस्वीरें नहीं है, या ये कह सकते हैं कि हर बार जब भी आप बारिश में इस जगह पर आएंगे तो ये नज़ारा आम हो चुका है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। गंगापुर सिटी में बाज़ार बंद हैं और बाज़ार बंद होने ही थे, दुकानें खोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। आइए आगे का हालात भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम उदय मोड़ और सालोदा मोड़ की तरफ चलेंगे कि वहाँ क्या हालात हैं। आज मेरे पास तस्वीरें आई थी नहर रोड जो है मंगलम होटल के आसपास का एरिया, वहाँ भी घुटनों तक पानी भरा हुआ निकला और वो भी घरों में घुस गया क्योंकि वहाँ भी नाले चौक हो गए थे। तो ये अभी हालात हैं फवारा चौक से।